वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको इंग्लिश वायरल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का है ना, सेंटअप एग्ज़ाम जो हो रहा है आपका 2024-25 का, उसी का ये वीडियो है। आप लोग देख लीजिए, 100% करेक्ट आंसर की मिलेगा, इससे बाहर का कोई भी नहीं आने वाला है। बस आप कितना तैयारी किए ये मायने रखने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिए, 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन है कि ही वॉज प्लीज्ड विथ द न्यूज, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉयस। तो पहले का ये होगा द न्यूज प्लीज्ड हिम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यू है ना ब्लैंक्स ड्राइव फास्ट, देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर, चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब। तो यू मस्ट नॉट होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आई ब्लैंक ऑल डे बट आई हैव नॉट फिनिश्ड माई टास्क येट। तो तीन नंबर में हमारा हो जाएगा डी हैव बीन वर्किंग। चार नंबर है सी सेड डैट सी हैड लॉस्ट हर की, चूज द करेक्ट है ना डायरेक्ट नारेशन। तो चार में हमारा होगा सी सेड आई हैव लॉस्ट माई की। पांच नंबर क्वेश्चन है कि सी ब्लैंकेट है ना फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक है ए ब्यूटीफुल ड्रेस, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो फाइव का हो जाएगा सी है ना सी हैज बाउट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। सिक्स नंबर क्वेश्चन है द कल्प्रिट वाज है ना सेंटेंसेड टू 5 years इन प्रिजन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का चूज मीनिंग करना है। तो छः में आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी कन्विक्टेड, ओके कन्विक्टेड हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस में से शुद्ध कर चूज करना है। तो यहाँ होगा बी द एयर इन द क्लासरूम स्मेलिंग फ्रेश, आठ है टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ कॉम्बिनेशन चूज करना है तो डी हो जाएगा टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट। नाइन नंबर है ही ब्लैंक ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो नाइन में हमारा हो जाएगा बी बैक आउट, ठीक है। दस है ए सोल्जियर शुड वैल्यू ऑनर लाइफ, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो दस में हमारा सी हो जाएगा अबव, ठीक है। ग्यारह है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे सप्लाई लिखा हुआ है तो 11 वाला सप्लाई जो है एकदम सही लिखा है। 12 चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ बारेन, बारेन का साइनोनिम्स लिखना है। तो यहाँ ए हो जाएगा स्टेराइल। तेरा गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हु वन हु इट्स फ्लेश है ना, जो फ्लेश खाता है उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड्स में बताना है। तो यहाँ सी हो जाएगा कैनिबल। 14 है द राइज एंड फॉल ब्लैंक काउज बाई द स्टॉर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। 14 में हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ए इज फॉल इज। 15 है हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ अंडरलाइन वर्ल्ड। तो 15 में हमारा सही जवाब ए होगा स्मॉल है ना, स्मॉल, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा है ही सेड टू मी यू है ना नीड नॉट वेट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेक्शन। तो 16 में ए ही सही है, ही टोल्ड मी डैट आई डिड नॉट नीड टू वेट। चलिए यहाँ से 17 नंबर है जिसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ है ना नेसेसरी लिखा है जो कि ऑप्शन नंबर डी में नेसेसरी सही लिखा है, 17 का डी होगा। 18 नंबर में ट्राई टू कम है ना ट्राई टू कम आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट, तो ये में एन आवर, आवर जो है आवर के साथ एन का प्रयोग होता है, ओके। 19 नंबर है वन ऑफ द टीचर्स नेक्स्ट टू माई अंकल, यहाँ पे 19 में जो होगा बी ऑप्शन होगा लिप्स, टीचर्स लिप्स नेक्स्ट डोर विच आई चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ सेंटेंसों में से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। सी दे डिड नो दे डू नॉट लाइक हिम। 21 है आई वॉन्ट टू इन अमेरिका, तो 21 में हमारा बिल्कुल ए होगा सेटल डाउन, ठीक है। 22 है स्प्रिड ए क्लॉथ द टेबल, तो 22 में हमारा सही डी हो जाएगा, ओके ओवर क्लॉथ ओवर। 23 है ना कि आई यूज योर फोन, तो 23 में हमारा सही हो जाएगा ए मे आई यूज योर फोन। 24 है शूट ऑल द डोर्स, तो 24 में हमारा बिल्कुल सही जवाब ए होगा लेट ऑल द डोर्स बी शूट। 25 नंबर है कि टाइबेट इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो 25 में हमारा सही होगा डी टू टाइबेट इज टू। 26 द पुअर लेडी है ना पॉइजंड, तो 26 में हमारा सही जवाब होगा ए हरसेल्फ। 27 है वी शुड है ना आवर एल्डर्स, तो 27 में है डी रेस्पेक्ट।
28 से लेट अस डू दिस वर्क, 28 में हमारा सी हो जाएगा, सॉल है ना, सॉल नॉट वी। 29 है सी हर हैंड, तो 29 में हमारा हो जाएगा डी, सी वेव हर हैंड। 30 है ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल, मवेशी, कैटल मतलब होता है, तो बी हो जाएगा आर, यहाँ आर भराएगा ग्रेजिंग है ना। एक द कमिटी, द कमेटी 31 में ए भराएगा वाज, द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन द इशू। 32 है वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर, है ना, इसमें नेगेटिव सेंटेंस इसका लिखना है, तो 32 में ए होगा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के नहीं कोई। राधा सिंग्स, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन 33 में, तो यहाँ सी हो जाएगा है ना, डिलाइटफुली। 34 है 34 में चूज द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, तो 34 में हमारा सही जवाब डी होगा, वी आर सॉरी अबाउट दैट मैन। 35 में हमारा है योर स्टेटमेंट, तो 35 में हमारा ए हो जाएगा, फिनिश योर स्टेटमेंट। 36 है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ कंप्लेन लिखा हुआ है, बहुत सारा कंप्लेन लिखा हुआ है, लेकिन 36 में आपका सही जवाब बी होगा, ठीक है। 37 में ही वॉज प्लेस टू गर्ल्स, तो 37 में आपका सही जवाब जो होगा सी हो जाएगा, बिटवीन। और ही इज स्लो हियर ही इज सी, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन, तो 38 में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ठीक है। 39 है आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी, 39 में आपका हो जाएगा डी, आई टोल्ड द बॉयज डेट शुड बी देयर, है ना, ड्यूटी। 40 है ब्लैंक है दे हेल्प अस, तो 40 में आपका सही जवाब सी हो जाएगा, विल दे हेल्प अस। 41 है द ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो 41 में आपका डी हो जाएगा, प्रिंसिपल। 42 है मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो 42 में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, ड्रिंकिंग मिल्क इज। 43 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ 43 में आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्क हैंड है ना, लास्ट ईयर शुड फेल। 44 है व्हाट आर द, है ना, मेन इनग्रेडियंट्स दिस डिश, तो 44 में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑफ। 45 है आल्प्स आर लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप, चूज द करेक्ट, है ना, तो 45 में आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 45 का, आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है द। 46 है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ड्यूरेशन लिखा हुआ है, इसमें से करेक्ट है आपको चूज करना ए ऑप्शन सही है ड्यूरेशन का, ठीक है। 47 है कि दिस बॉक्स कंटेंस 12 क्वाइंस, तो 47 में हमारा डी होगा, 12 क्वाइंस आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। वन हु स्पीक्स फॉर द अदर इज, जो दूसरों के लिए बोलता है उसको क्या कहते हैं, तो 48 में हमारा हो जाएगा ए, स्पोक्समैन, ठीक है। द साइनन ऑफ ईयरली, ईयरली का साइनन ऑफ बताना है, तो 49 में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, एनुअल कह सकते हैं। द डोर हैज बीन ब्रोकन, चूज द एक्टिव वॉइस, तो 50 में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, समवन हैज ब्रोकन द डोर। 41 है द एंटोनोम ऑफ वाइड, वाइड मीन्स चौड़ा होता है, इसका एंटोनोम्स बताना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 51 में नैरो, पतला हो जाएगा। 52 है वी अराइव द स्टेशन एन आवर लेट, तो 52 में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, एट, अराइव एट द। 53 है दिस इज ए हाउस, तो यहाँ 53 में जो होगा ए ऑप्शन बनेगा, स्पेसियस हाउस, ठीक है। 54 है सी हैज नॉट मनी, तो 54 में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, एनी मनी, ठीक है। 55 है ही लिव्स अवे फ्रॉम स्कूल देन आई डू, तो 55 में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, फर्दर, ठीक है, फर्दर अवे फ्रॉम माई स्कूल। 56 है चूज द ऑड वन आउट, इसमें से 56 में अलग वाला को अलग करना है, सारे चार में से तीन एक ऐसे होंगे जिनका मीनिंग एक जैसे होंगे, तो यहाँ डी हो जाएगा, बिगिनिंग शुरुआत हो जाएगा, यहाँ ब्यूटीफुल सुंदर नाइस अच्छा चार्मिंग ये सब अच्छे को विवल कर रहा है, जबकि बिगिनिंग सूर्य को कहते हैं, ठीक है। 57 है इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली, तो यहाँ आपका 57 जो होगा इसमें आप ए ऑप्शन लगा ले, ए सुपर है ना, 57 में ए हो जाएगा। 58 है हाउ मेनी आर अवेलेबल फॉर द स्पेक्टर्स, तो 58 में हमारा हो जाएगा डी, टिकेट्स। 59 आई मस्ट माई शूज एंड नीड इट, तो 59 में हमारा सही जवाब डी हो जाएगा, हैव। 60 आई शैल बी ऑप्शन टुमोरो, तो 60 में हमारा हो जाएगा बी, फ्रॉम, है ना। आपको और भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपको वो इसमें से 85 क्वेश्चन करना था, ठीक है। आप सब वीडियो को शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद जय भारत।